अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज मैं गुलगुले बना रहा हूँ गुड़ के, उसको मीठे भजिए भी बोल सकते। गुड़ की चाशनी बना ली, ये गुड़ है। गुड़ को एक गिलास पानी डाल के पिघला ली, चाशनी हो गई। ठंडी होना था इसलिए मैं पहले बना ली इसको। ये गेहूँ का आटा है, इसमें मिला लेना है। उसमें डालने वाले चीज़ें, ये सौंठ है, हरी इलायची, बड़ी सौंफ, बड़ी सौंफ है, छोटी सौंफ नहीं लेना, छोटी सौंफ कड़वी रहती इसलिए बड़ी सौंफ लेना। ये जायफल है, थोड़ा जायफल भी डाल ले सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अब इसको मिला लेंगे। इस सौंठ और सौंफ को पीस लेने के बाद इसका पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद इस तरह का होता, इसमें डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी गुड़ की चीज़ बना रहे हो उसमें सौंठ सौंफ इलायची डाल लेना। अब इसमें थोड़ा सा सोडा डाल ले रहा हूँ, और ईस्ट है, ईस्ट डाल ले रहा हूँ। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप ईस्ट डाल ले रहा हूँ, ईस्ट नहीं डाल ले रहे आप तो ज़्यादा थोड़ा सोडा डाल लेना। अब चाशनी दाल को मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भिगाने 3-4 घंटे रख लेना। अगर ईस्ट डाल ले रहे तो 2 घंटे रख ले सकते हैं, अगर सोडा डाल ले रहे तो ज़्यादा रख लेना। चाशनी को गाढ़ी बना लेना, अगर कम हो रहा तो पानी डालने को मिला दे सकते। देखिए इस तरह से पतला बना लेना, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह डालने के बाद में हाथ में रहना नहीं। अब इसको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख लेंगे, क्योंकि हम ईस्ट डाल लिए जल्दी बना लेंगे। मैं दूसरा तैयार करके रख ली थी 2 घंटे पहले, उसको बना लेता हूँ। तेल गरम हो रहा तब तक मैं आबशोला बना ले रहा हूँ कैरी का। कैरी को उबाल ली थी सुबह में, ठंडी होने के लिए जल्दी उबाल ली। अब इसको निकाल लेंगे। निकाल को इसका पूरा रेशा अलग कर लेना, इस तरह से खिकर के निकाल लेना। ये छिलटे में भी लगे हुआ रहता है, इसको चमचे से खिकर लेना। अब ये निकाल लेने के बाद इसको मिक्सर में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्कर डाल लेंगे, शक्कर ज़्यादा लगती क्योंकि खट्टी रहती ना कैरी। अच्छे से डाल लेना, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब इसको पीस लेंगे। अब इसको छान लेंगे। इसको छानने के बाद में अब इसको गिलास में डाल लेंगे। गर्मियों में अच्छा रहता, और रोज़े इफ्तारी में भी बच्चों को दिए तो शौक से पी लेते ये कैरी का शरबत। अब इसमें बर्फ़ डाल लेंगे। डाल ले रहा हूँ, लीजिए आबशोला तैयार है इफ्तारी के लिए। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा, बनाइए, घर वालों को भी पसंद आएगा। अब हम
जी मैं पहले सुबह में भिगा ली थी, इसको तल ले रहा हूँ मैं। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेते उतने अच्छे आपके गुलगुले निकल के आते, जालीदार आते हैं। अगर आप ऐसे गुन को रख लिए तो नहीं होता उससे कुछ भी, थोड़ा सा फेंट लेना। मैं सुबह में फेंट कर तैयार करके रख ली थी, इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाई आपको, धीमे आंच पे तल लेना, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं तल लेना, अंदर तक तलने का रहता, धीमे आंच पे डाल लेना। देखिए मैं फूल डाल ली, ऐसा खुल रहे ना, ऐसा खुल ले तो गुलगुले अच्छे निकल के आते। ज़्यादा मीठे भी नहीं करना, ज़्यादा मीठे हो गए तो फिर तेल में पकना शुरू होते हो। एक तरफ से पलटा लिया, अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से तलने देना इसको। देखिए इस तरह से लाल होने देना, और थोड़ा लाल तल लेना, चॉकलेटी कलर पे आना है। गुलगुले बनाइए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, कैसे लगे आपको बताइए आप। और थोड़ी देर इसको तल लेंगे, तरह ऊपर नीचे करते रहना इसको, एक तरफ से नहीं तल लेना। लीजिए अब इसको गैस बंद करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। लीजिए तैयार है गुलगुले, मैं एक आपको खोल कर दिखा रही हूँ, गरम है। देखिए इसमें जाली जाली आई, इस तरह की जाली आना। देखिए इस तरह जाली आए तो गुलगुला अच्छा परफेक्ट बनता, अगर जाली नहीं आई तो कच्चा रहता अंदर, खा नहीं सकते। इस तरह का आने देना। लीजिए तैयार है गुलगुले और आपशोला कैरी का शरबत, बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी है, आप वहाँ से भी देख सकते। अल्लाह हाफिज़।